हेलो स्टूडेंट, आज जेईई मेंस 2020 अप्रैल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ये बात हमें ऑलरेडी पता था कि जेईई मेंस का 7 फेब को अप्रैल वाले एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। एग्जाम डेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है जेईई मेंस जनवरी वाले में मिस्टेक की, वो वाली मिस्टेक यहां ना करें। जब लास्ट टाइम भी मैंने ये सेशन लिया था तो कुछ बच्चों ने स्पेशली बोला था कि सर, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे। जब भी मैंने एक ही बात बोली थी और अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जनवरी से लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ही हो सकता है। बट अभी भी मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि पेपर टफ नहीं होगा। कंसेप्चुअल पेपर होता है, लॉजिकल पेपर होता है। अगर आपने 11th 12th की कंसेप्ट बना के बहुत ही स्ट्रांग पढ़ाई की, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ जनवरी पेपर्स के सॉल्यूशन भी शेयर किए थे और आप लोगों ने देखा भी था और आपने बोला भी कि एक्चुअल में आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो आप उन सभी लोगों को जो जेई में अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन सबको बोलूंगा सबसे पहले तो इमीडिएटली एक्शन लेके एप्लीकेशन फॉर्म भरें। अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना एक सेपरेट विंडो खुलेगी। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फेब से लेके 6 मार्च तक आपके पास टाइम है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया तो क्या होगा। तो जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपको फ्रेश लॉगिन करना होगा, और अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट में आपको अपना लॉगिन करके फॉर्म जमा करना होगा। एग्जाम डेट एक पेपर सेकंड जो है वो 5 अप्रैल को होगा, बाकी 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 11 अप्रैल को जेईई मेंस का मेन पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला। रिजल्ट आप सबको पता है कि 30 अप्रैल को आएगा, बट जैसा जनवरी में हुआ था बिल्कुल वैसे ही चांसेस हैं, हो सकता है 1 वीक के अंदर ही रिजल्ट आ जाए। अब बात करते हैं कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो आपको ये बात पता है ये सब, फिर भी मैं ये सेशन इसलिए ले रहा हूं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। nta.ac.in या jeemains.nta.ac.in पर जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म फिल करें। इस सेशन का मेन पर्पस क्या, समझिए। जो बात मैं पहले भी बोल चुका हूं अभी भी, कि नए पैटर्न के सबसे पहले एडवांटेज समझें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको 20+5, 20+5 और 20+5। इसका मतलब है कि ये 20 ऑब्जेक्टिव, 5 न्यूमेरिकल, तो 20 × 4 जब हम करते हैं तो 80, और 5 × जब हम 4 करते हैं तो 20। बट आप सब ने जो एक बात बोली थी, मैं फिर बोलूंगा कि न्यूमेरिकल आने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, और वो एडवांटेज ये है कि अगर इनकेस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे रॉन्ग भी हो गया तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप वहां पर सेफर जोन में होते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर रॉन्ग होता है तो एक नंबर कम हो जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सेम टाइम के साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। आप लोग ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है। अगर बाई चांस आपने नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनडीए जनवरी में जो जेईई मेंस हुआ था उसका पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो अब क्या करना है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। आज हम देखें तो लगभग लगभग अगर हम आज सिर्फ टाइम देखें तो 7 फेब है आज, और एग्जाम डेट भी 7 अप्रैल को ही, यानी आपके पास 7 फेब से लेके 7 मार्च तक ये 1 मंथ हुआ, और 7 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक ये 2nd मंथ, यानी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 60 डेज हैं। ये 60 डेज में आपको अपने आप को अगेन प्रिपेयर करना है। आप में से कुछ बच्चों ने यह भी पूछा था कि सर 90% के ऊपर है, 95% के ऊपर है, ऐसे में देना चाहिए कि नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि देने में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो अच्छा परसेंटाइल स्कोर होगा वही कंसीडर किया जाएगा। पर अगर आपके 80% है, 85% है, तो आपको देना है और ट्राई करना है कि 90-95 के ऊपर परसेंटाइल लाएं, जिससे कि आपको जेई मेंस के थ्रू एक अच्छा एनआईटी मिल सके और आप जेई एडवांस भी दे सके। तो इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये 60 दिन क्या करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12th अपेयरिंग है और जिनको मार्च में 12th का पेपर भी देना है, और पेपर देने के तुरंत बाद ही
जेई का कुछ दिनों बाद एग्जाम होगा, हार्डली 10 या 12 दिन का आपको ब्रेक मिलेगा, डिपेंड ऑन, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, सीबीएसई के अलग होते हैं, फिर भी हम मान सकते हैं कि 10 से 15-20 दिन तक आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है तो आपका अभी मेजर फोकस 12th पे ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और दूसरी अच्छी बात यह कि अगर आप 12th पे अच्छे से फोकस करेंगे, आप 12th में यह सोच के पढ़ाई करेंगे कि मुझे 90% स्कोर करना है, तो आपको ये रिजल्ट या ये पढ़ाई जेई मेंस में भी उतनी ही हेल्प करने वाली है। कंसेप्चुअल पेपर आप देख लीजिए, पिछले कोई भी पेपर, सारे पेपर कंसेप्चुअल आते हैं। अगर आपने 11th 12th की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त है कि जब कॉम्पिटिटिव की बात आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 12th में हमारे प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, पर जब हम जेई की बात करते हैं तो हमारा प्रेजेंट, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। और इस सब के लिए मेरे आपके बहुत सारे आपको क्विक रिवीजन वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, वो जरूर देखिए, वो आपकी वो हेल्प करेंगे जो आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। अगर बाय चांस आपने नहीं देखे तो उन सेशंस को जरूर देखिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, बेस बुक बहुत अच्छे से करिए, एनसीईआरटी की बुक जरूर सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करिए, जिससे कि आप 12th में भी अच्छा स्कोर कर पाए और जेई में भी। पर अभी आपका मैक्सिमम फोकस जो है वो 12th पे होना चाहिए अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। और याद रखिए, अगर आपने 2018 में 12th पास किया या 19 में, या इस साल आप 2020 अपेयरिंग है, तो ही आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं 2017, या जिसका 2021 में जेई मेंस 12th होने वाला है वो अपेयरिंग नहीं हो सकता। तो ये खैर ये बेसिक ऐसी चीजें जो आपको पता होंगी, बट जस्ट फॉर एक रिकॉल मैंने करवाया। तो अभी आप अपने आप को सबसे पहले, अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया था तो पहले बहुत ही ईमानदारी और ऑनेस्टली ये एनालाइज करिए कि आपका परसेंटाइल जो आया है उसमें क्या ऐसा करें कि इंप्रूवमेंट हो जाए। ये आपसे अच्छा कोई असिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपका 60% है, आपका 70% है, आपका 80 है, 90 है, 95 है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर 90 के ऊपर है तो आपने एक बहुत अच्छा परसेंटाइल किया है। इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप 99% भी ला सकते हैं, 100% भी ला सकते हैं। तो आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? अगर 80% है तो उसको कैसे रीच करें 95%, 75 है कैसे 95 तक पहुंचे? ये एक बहुत एनालिसिस का सब्जेक्ट है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, और ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा करके आए थे जनवरी में, और किस सब्जेक्ट में आप वीक थे। अब यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब अगर आप 12th अपेयरिंग है तो अभी पूरा फोकस अपना 12th पे लगाइएगा। अगर आप 12th पास आउट है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिस एग्जाम में जेई मेंस के पेपर में आपने ज्यादा स्कोर किया था उसको छोड़ना नहीं है, उसको और अच्छा मजबूत करना है। क्योंकि सपोज आपने केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया तो आपके लिए एक केमिस्ट्री प्लस पॉइंट है जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने मैथ्स में अच्छा किया तो मैथ्स पे फोकस करें, मान लीजिए आपने फिजिक्स में अच्छा किया तो फिजिक्स पे फोकस ज्यादा करें। यानी ऐसा ना करें कि वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें। मैं थोड़ा बिल्कुल आपको बहुत क्लियर और बहुत ही पॉजिटिव बात बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट ईयर होता है एग्जाम, मैं बोलता वीक सब्जेक्ट पे वर्क करो, बट अभी आपको 60 दिन बाद पेपर देना है। और अगर आपको 60 दिन बाद पेपर देना है और आपने वीक सब्जेक्ट पे वर्क करना चालू किया तो हो सकता है कि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो वीक ना हो जाए। तो हमें पहले अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट को और मजबूत बनाना है जिससे कि हम उसमें एक अच्छा स्कोर कर सके। अगर आपने मैथ्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, मान लीजिए आपने मैथ्स में 80 मार्क्स का किया है, आप सोचिए कि 90 का कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जनवरी में आपने क्या किया था। सपोज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस थी, तो जिन टॉपिक पे आपने अच्छा परफॉर्म किया था जनवरी वाले में, उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, और जिन टॉपिक में कंफ्यूजन था या थोड़ा बहुत पढ़ के आप स्कोर अप कर सकते हैं, उन टॉपिक पे वर्क करिए, ना कि कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये एक छोटा सा एक प्रॉपर एनालिसिस आपके स्कोर को बढ़ा सकता है। सेशन का पर्पस भी यही है, ये जो इंफॉर्मेशन बताई, इंफॉर्मेशन आपके पास है तो एक जस्ट फॉर रिकॉल, और सेकंड थिंग की क्या करना है। अभी आपके साथ मैं आपके साथ कुछ सेशन शेयर करूंगा जिसमें क्वेश्चंस आपके साथ न्यूमेरिकल वाले भी डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव वाले भी, कि कहां पर आप अपने आप को बचा सकते हैं,
कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करें, कौन कौन सी स्टेप है जिसको सेव करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स में सबसे अच्छी टेक्निक होती है स्टेप सॉल्व, स्टेप सेव करना, कैसे कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट अप्रोच लगाना, राइट फॉर्मूला लगाना और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि स्ट्रांग सब्जेक्ट को और स्ट्रांग बनाना, वीकर सब्जेक्ट के जिस पोर्शन में आपने अच्छा परफॉर्म किया उसी पोर्शन को अच्छा करिए, नए पोर्शन को ज्यादा ना करें क्योंकि टाइम इतना नहीं है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज आपको आती है आप उसमें कहीं वीक हो जाए। इस बात को ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। 60 डेज हैं, ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, अब जस्ट फॉर कि आप उस सिलेबस को रिवीजन करें नए पढ़ने की जगह, इसी बात के लिए टाइम है। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करें। और ट्वेल्थ अपेयरिंग है तो ट्वेल्थ पे अपना अभी 100% दें और ट्वेल्थ का 100% ही आपको जेई में कहीं ना कहीं अच्छा परसेंटाइल दिलाने वाला है, यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।